तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों सह संयोजकों के साथ में बैठक हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी इस बैठक में शामिल हैं। बता दें कि जिस तरह से भाजपा अभी 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, बताया जा रहा है ऐसे में भाजपा का अगला कदम अब संकल्प पत्र बनाना हो सकता है। इसके तहत ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपने कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज किस प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है, प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है, बहुत जल्दी मंडल स्तर प्रकोष्ठ गठन हो, हर प्रकोष्ठ के कार्यक्रम की रचना बने। रिटायर्ड कर्मचारी का विषय है तो रिटायर्ड कर्मचारी जितने बने उनको सबका जोड़ना है, शिक्षक प्रकोष्ठ रिटायर्ड अध्यापक से ले वर्तमान अध्यापक हैं जो जुड़ सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में उनको अपने साथ जोड़ना है, व्यवसायिक क्षेत्र में अनेकों गतिविधियों के लोग हैं, लघु उद्योग है, सब प्रकार के प्रकोष्ठ।